सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? तो आज हम चर्चा करेंगे पिछले 3 महीने का करंट, तो अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022, पिछले 3 महीने का महा मैराथन क्लास आपके लिए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2022, 1 घंटे की महा मैराथन क्लास। और ये राजस्थान हाईकोर्ट LDC और CET का एग्ज़ाम और स्पेशल जो GT की तैयारी करें उनके लिए स्पेशल आपके लिए पिछले 3 महीने का निचोड़ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाला जो 2023 नव वर्ष है, ये आपके जो है खुशियों की सौगात लेकर आए और जिस आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वो लक्ष्य आपको इसी साल में आपको प्राप्त हो जाए, इसी ईश्वर के साथ और इसी कामना के साथ मैं इस क्लास की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। बड़े शानदार तरीके से आपको ये क्लास मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरे 3 महीनों का निचोड़ एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करें, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। तो स्टार्ट करें फटाफट रिवाइज, लगभग 40 या 45 मिनट में हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन देखिए। हाल में विश्व का सबसे बड़ा स्पारी पार्क किस शहर में बनेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा स्पारिक पार्क बनेगा, ध्यान रखना, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा स्पारिक पार्क है बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल में किस महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? किस महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला? ये मिला है सृष्टि बख्शी को। किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किन 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है कुमार सानू, दूसरा है शैलेंद्र सिंह और तीसरे हैं आनंद मिलिंद। इन तीनों को क्या है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस कांग्रेस नेता ने अगले महीने BR अंबेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा कर दी है? तो ये कांग्रेस नेता है, कौन है? शशि थरूर। कौन है? कांग्रेस नेता है शशि थरूर। इन्होंने अगले महीने BR अंबेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा कर दी है। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में स्वाति पेम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? किसको दिया गया है? स्वाति पेम्बो को। किसमें? फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है, ध्यान रखना, स्वीडन से। किससे है? स्वीडन देश से। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का पुलमपारा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है? तो ये बना है, ध्यान रखना, केरल राज्य का। किसका बना है? केरल राज्य का। 8 नंबर, हाल ही में फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? अमेरिका ने। किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। 9 नंबर देखो, हाल में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो ये मिला है विवेक लाल को। किसको? डॉक्टर विवेक लाल को। भारतीय अमेरिका को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। 10 नंबर, हाल में केंद्र सरकार ने किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया अजय बादू को। किसको किया है? अजय बादू को नियुक्त किया है। 11 नंबर, हाल में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। 12 नंबर, हाल ही में PhDCS ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया है डॉक्टर रघुपति सिंघानिया को। PhDCS ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो ये जितने भी रसायन है, शांति है, सब इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ और निश्चित तौर से यहाँ पे CET के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, कैरोलिना बेट्रोजी, दूसरे हैं बेरी शार्पलेस और तीसरे हैं मोर्टन मेडाल। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला है एनी एनॉक्स को। किसको? एनी एनॉक्स को। यह फ्रांसीसी लेखिका है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता था, ध्यान रखना, किसने? शेष भारत ने। किसने जीता है? शेष भारत ने।
हाल में किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया? तो महिला पीएससी बटालियन का गठन किया था किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। 17 नंबर, किस संगठन ने क्रूर 5 मिशन लॉन्च किया? तो ये किया है किसने? स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स के द्वारा क्रूर 5 मिशन लॉन्च किया गया है। 18 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा ये आयोजित की जाएगी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 19 नंबर, हाल में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये शांति का पुरस्कार 3 दिया गया। एक तो है, ध्यान रखना, एलएस बालियस्ता की, ये तो है एक व्यक्ति, और ये 2 संस्थान है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल, ये तो 2 संस्थान है और ये है व्यक्ति एलएस बालियस्ता की। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार है दिया गया। कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उपरोक्त सभी। 20 नंबर, हाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइव्यूगो, इन तीनों को क्या है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। 21 नंबर, हाल में बिलियंडर्स बा में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता है? तो इन्होंने अब की बार जीता है कौन सा? ध्यान रखना, ये जीता है 25वां। कौन सा जीता है? 25वां विश्व खिताब जीता है। 22 नंबर, किस संगठन के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे कि चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया। किसने? इसरो के द्वारा। किसके किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। 23 नंबर, हाल में किस राज्य का मोडेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ? यह है गुजरात का। किसका है? यह है गुजरात राज्य का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? यह 37वें राष्ट्रीय खेल है जो गोवा के अंदर आयोजित किए जाएंगे, और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए वो ध्यान रखना अब की बार गुजरात के अंदर हुए थे। कौन कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। जो आगे अब अक्टूबर 2023 के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो गोवा के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। 25 नंबर, हाल में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ध्यान रखना, कौन है? क्रिस्टो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टो रोनाल्डो है 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 26 नंबर, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री जी महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से निश्चित तौर से एग्जाम में छपेगा। तो श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहां किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। 27 नंबर, किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया? तो ये किया है हमारे पूर्व जो कप्तान थे MS धोनी। कौन है? पूर्व कप्तान MS धोनी के द्वारा मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है। 28 नंबर, हाल में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको सभी सारी बातें मैंने आपको सुबह इंडिया करंट की क्लास में बताया हुआ है। सो सिर्फ आपको 3 मंथली का यहाँ पे रिवाइज करवाया जा रहा है। तो कौन बने? रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। 29 नंबर, देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर किया है? हिमाचल प्रदेश में। 30 नंबर, हाल ही में असमानता कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो असमानता कम करने में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? 123वें स्थान पर। कौन से? 123वां स्थान। 31, किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया? किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया? वो किया है किसने? मुंबई हवाई अड्डे ने। किसने? मुंबई हवाई अड्डा। अगला देखो, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और LG सिन्हा ने 4थी हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया? यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और LG हैं मनोज सिन्हा ने 4थी हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया है श्रीनगर जम्मू के अंदर, श्रीनगर जम्मू में। अगला देखो, किसने माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च किसने की है? ये किया है, ध्यान रखना, राजनाथ सिंह के द्वारा। किसने? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता?
ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने जीता है। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत का स्थान है कौन सा? 107वां स्थान। कौन सा? 107वां। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? IIT गुवाहाटी के अंदर। यहाँ पर है IIT गुवाहाटी में। 37 नंबर, किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मान दिया गया है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया हैदराबाद को। किसको दिया गया है? हैदराबाद को दिया गया है। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 के अंदर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर है इंदौर मध्य प्रदेश में। पीएम मोदी ने 16 अक्टूबर को कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये करेंगे, ध्यान रखना, कितने? 75। कितने? 75 जो है डिजिटल बैंकिंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हाल ही में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत के अंदर दुनिया का पहला रडार विकसित हो चुका है, इसको स्थापित किया जाएगा उत्तरी सिक्किम में। कहाँ पर है? उत्तरी सिक्किम के अंदर। 41 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल से निलंबन को पुल को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है कृष्णा नदी पर। किस पर दे दी है? कृष्णा नदी पर। क्या है? केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल से निलंबन पुल को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार? तो ये जीता है सेहान करुणा तिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बेलन डी ओर पुरस्कार जीता? तो बेलन डी ओर पुरस्कार अब की बार जीता, एक तो है अलेक्सिया पुटेलस और दूसरे हैं करीम बेंजेमा। इन्होंने अब की बार है, दो व्यक्तियों ने बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है। 44 नंबर, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? तो इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किसने की? ये की है, ध्यान रखना, किसने? अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने की है, ध्यान रखना। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? ये हुआ है दुबई के अंदर। यहाँ पर हुआ है, ये दुबई के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। 46 नंबर, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2022 है वो किया जाएगा, ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पर है गांधीनगर गुजरात। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ पर शुरू किया गया? तो पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ पर शुरू किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? और 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो हो जाएंगे, ध्यान रखना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर है जो चौथे हुए थे वो तो हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया चौथे खेलों का, और जो 5वें खेल है वो मध्य प्रदेश के आयोजन किया जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया है? गुजरात राज्य में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के CEO सत्य नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया? किस कंपनी के CEO सत्य नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, किसके CEO हैं? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। किसके CEO हैं ये? माइक्रोसॉफ्ट के। 51 नंबर, देखो किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है, ध्यान रखना, पंजाब के अंदर। कहाँ पर हुआ है? पंजाब राज्य में। हाल ही में PMAY अवार्ड्स यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 के तहत कौन से राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। 53 नंबर, हाल में केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त कर दिया? ये कर दिया है संजय मल्होत्रा को। किसको कर दिया? संजय मल्होत्रा को। 54 नंबर, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है?
तो भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया? ये किया है विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखो, किस देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो ये किया गया किस देश के द्वारा? ये किया गया है अपने देश भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया। किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए? ये किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किए हैं? इसरो ने लॉन्च किए हैं, ध्यान रखना। अगला देखो, कौन सा शहर नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर है जो नवंबर महीने में यानी कि बीत चुका है, 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष की मेजबानी किसने की थी? देहरादून ने। किसने की थी? देहरादून। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। अगला देखो, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन जो हासिल कर लिए हैं? तो 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिए किसने? ये कर लिए हैं, ध्यान रखना, गुजरात ने। किसने कर लिए? गुजरात राज्य ने कर लिए हैं। अगला देखो, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, और ये जितने भी इंटरनेशनल जो फिल्में होती है इनको आप अच्छी तरह से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा करंट के दौर पर। तो फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित कर दिया? ये किया है, ध्यान रखना, पाथेर पंचाली को। किसको? पाथेर पंचाली को। अगला देखो, भारत और किस देश के बीच में एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गुरुड़ 7 हुआ? तो भारत और किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। यहाँ पर है भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा मरीज पंजीकृत हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा मरीज पंजीकृत हैं? ये है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, RRR। किसने? यानी कि RRR यानी कि 3R। ये ध्यान रखना, बहुत ही चर्चा में है, इसने कुछ क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखना, और सैटर्न अवार्ड इसने जीता है। अगला देखो, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 के अंदर किस देश में आयोजित होगा? तो अभी आने वाली जो फरवरी है 2023, वो जो 12वां हिंदी सम्मेलन है वो फिजी के अंदर है आयोजित होगा। कहाँ पर है? फिजी के अंदर। अगला देखो, आकांक्षा वेवारे ने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में कितने किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? तो खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में कितने किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए? वो बनाए हैं 40 किलोग्राम भार वर्ग में। कितने? 40 किलोग्राम में भार वर्ग में बनाए हैं। अगला देखो, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है अपने देश भारत ने। किसने लिया है? अपने देश भारत ने भाग लिया है। अगला देखो, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है? तो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है, ध्यान रखना। अगला देखो, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहना भी। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बड़े शानदार तरीके से आपको क्लास मिल रही है, थोड़े से समय के अंदर आपको 3 महीने का निचोड़ जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? तो ये जीता है, ध्यान रखना, स्पेन देश ने। किसने जीता है? अब की बार है, स्पेन देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड मिला? ये मिला है, पश्चिम बंगाल की है ये योजना लक्ष्मी भंडार, और इसको स्कॉच पुरस्कार मिला है। अगला देखो, किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन चुका है? तो ये रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया, और ये है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। अगला देखो, कौन सी कंपनी को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है BPCL यानी कि भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको क्या है? तेल और गैस कंपनी के रूप में इसको मान्यता मिली है। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया?
तो भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। पहले आशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में किया गया? पहले आशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में किया गया? यह किया गया इंडोनेशिया में। कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। अगला देखो, किस देश की पीएम को एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंडर्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मान से नवाजा गया? तो ये किस देश की पीएम है जिसको एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंडर्स ऑफ लिबरेशन फॉर सम्मान से नवाजा गया? और ये है बांग्लादेश की। किसकी है? ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट, कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने राज्यों की है? ये है ध्यान रखना 5 राज्यों के। कितने? 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को क्या है? गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया इनको। किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? ये किया है स्पेसएक्स ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। किस शहर, किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा? तो पूर्वोत्तर राज्य के अंदर है भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। कौन सी स्टील कंपनी रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन चुका है? तो ये बन चुका है, ध्यान रखना, कौन सा? टाटा स्टील कंपनी। कौन बन चुकी है? टाटा स्टील कंपनी बन चुकी है। हाल ही में वित्त मंत्री ने कितने खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू कर दी है? तो ये कर दिया, ध्यान रखना, 141। कितने कर दी है? 141 खानों के खदान की नीलामी शुरू कर दी है, इसको ध्यान रखना। अगला देखो, हाल ही में अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टर्बाइन को स्थापित किया? तो अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने क्या है, किस राज्य में पवन टर्बाइन को स्थापित किया? गुजरात के अंदर। और ये आपको पता है अंडानी है जो राजस्थान के भी है, अलग अलग जिलों के अंदर जो अपना जो है जो सौर ऊर्जा से संबंधित पवन ऊर्जा है उनको अलग अलग ये स्थापित कर रही है। हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह कौन थी? तो अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, यह कौन थी? ये थी संगीतकार। कौन थी? एक संगीतकार थी। 81 नंबर, हाल ही में शुभकांत पांडा किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो शुभकांत पांडा है वो किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी, कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान में घोषणा कर दी है, और ये कितने दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसमें इन्होंने क्या है 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया, जिनमें से एक जनरल बिपिन रावत को भी दिया गया। इनमें ध्यान रखना इनको मरणोपरांत दिया गया। किसको? जनरल बिपिन रावत है, जो पहले आपके CDS थे देश के प्रथम, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मरणोपरांत यह अवार्ड इनको दिया गया है। अगला देखो, किस राज्य में अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी आपको पता है जनवरी के अंदर जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है 17वां, वो होने जा रहा है किस राज्य में? मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ पर है इंदौर में, और गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी? किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी? उज्जैन के अंदर। यहाँ पर लगेगी? उज्जैन है, मध्य प्रदेश में लगेगी, ध्यान रखना। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा? तो लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट के अंदर कौन सा देश शामिल होगा? अपना देश भारत। कौन सा देश होगा? अपना देश भारत। भारत ने अक्टूबर में किस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है? यानी कि भारत देश ने अक्टूबर मंथ में किस देश से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया? वो किया है किससे? रूस देश से। किसे किया है? रूस देश से किया है। हाई कोर्ट के कौन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जिन्हें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो ये हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है कौन है? MS ये ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ये क्या है? विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बने हैं। अब अगला देखो, गेम शो ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? गेम शो ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किस देश ने किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? ये कर दिया है, ध्यान रखना, किसने? ईरान देश ने।
किसने किया है? ईरान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा के अंदर। किस राज्य में? गोवा में। अब की बार आपको पता है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया था। 91 नंबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो उपराष्ट्रपति अपने कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कंबोडिया के अंदर क्या है? भारत आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व करेंगे। कहाँ पर है? कंबोडिया के अंदर। अगला देखो, कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? और वो करेगा, ध्यान रखना कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 2023 के अंदर महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन सा देश है? अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत। हाल ही में पहली बार किस संस्थान से निजी रॉकेट लॉन्च होगा? तो पहली बार किस संस्थान से निजी रॉकेट लॉन्च होगा? श्री हरिकोटा से। कहाँ से होगा ये? श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? तो 18वां जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, कोच्चि केरल के अंदर। यहाँ पर है कोच्चि केरल के अंदर होगा, ध्यान रखना। हाल ही में ब्योर्न गुल्डेन किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? हाल ही में ब्योर्न गुल्डेन किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? ये बने हैं, ध्यान रखना, एडिडास कंपनी के। किसके बने हैं? पूछा जा सकता है कि एडिडास कंपनी के नए सीईओ कौन है? ब्योर्न गुल्डेन है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? और जब जब वंदे भारत की बात आएगी तब निश्चित तौर से यहाँ पे क्वेश्चन करंट के तौर पर बनेगा। और ये आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी कहाँ पर दिखाएगी? बेंगलुरु के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत के अंदर पूछा इसने, दक्षिण भारत में कहाँ पर है? बेंगलुरु शहर में। अगला, मेरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो मेरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है अरुणा मिल्लर। कौन बनी है? अरुणा मिल्लर। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता अब की बार? तो T20 वर्ल्ड कप अब की बार जीता था इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता था। किस ओलंपिक पदक विजेता ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो ये किया है तूफान और तूफानी का शुभारंभ, तो ये है, ध्यान रखना, पीवी सिंधु ने। किसने किया है? ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया गया। पहली बार किस शहर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अब की बार खिताब जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई शहर ने जीता है। कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर है जो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? वेट्स मिडलैंड्स। कौन करेगा? वेट्स मिडलैंड्स करेगा। पीएम मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? ये किया है, ध्यान रखना, बेंगलुरु शहर में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु शहर में इसका जो है अनावरण किया है। केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो केंद्र सरकार ने दो शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू का प्रस्ताव रखा है। ये रखा है वाराणसी से डिब्रूगढ़। कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। कौन सा देश IBASA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया ओनेशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश है भारत करेगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी, आपको बताया अब की बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया शरत कमल अंचता को। किसको दिया गया है? टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अंचता को दिया गया। हाल ही में किस देश में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है? तो ये आपको बताया अब की बार जो 22वें विश्व फुटबॉल कप है वो कतर देश में इसका आयोजन किया गया, आपको बताया। और किसने खिताब जीता इसका? अर्जेंटीना ने अब की फीफा विश्व कप का खिताब है जीता है। भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित
वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। तो ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि लंदन के अंदर वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत ने भी भाग लिया और किस राज्य ने इसमें टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता, ये जीता है केरल राज्य ने। किसने जीता इसमें? केरल राज्य ने जीता है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ? तो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन से खिलाड़ी चुने गए? तो ये चुने गए थे, ध्यान रखना, एक तो है MC मैरीकॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, इन चारों खिलाड़ियों को चुना गया। किन के लिए? भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चारों खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला देखो, कौन सा देश 2024 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2024 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा, ध्यान रखना, कौन सा? श्रीलंका देश। अगला देखो, किस देश ने कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? तो कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया, ये किया है किसने? अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश है भारत ने। अगला देखो, आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आसियान के द्वारा अपना 11वां सदस्य बनाया गया है तिमोर लेस्ते को। किसको बनाया गया है? तिमोर लेस्ते को। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तीसरा संस्करण इसका। कौन सा किया जा रहा है? तीसरा संस्करण। अगला देखो, 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? बेयोंसे को। किसको नॉमिनेट किया गया है? बेयोंसे को नॉमिनेट किया गया। हाल ही में जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की कौन सी रैंक है? तो जलवायु सुरक्षा सूची के अंदर भारत की कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक हो जाएगी। कौन सी? 8वीं रैंक हो जाएगी भारत की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो अपने सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, इनको किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला? ये मिला है पेरिस के अंदर। कहाँ पर मिला है? पेरिस शहर में दिया गया है। किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश है भारत ने। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को, सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। देखो इतनी मेहनत और इतनी आपके साथ शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। पूरा दिसंबर मैंने कंप्लीट करवा दिया, आपको निचोड़ मैंने दे दिया, अब आपको आज ये पिछले 3 महीने का करंट का वीडियो मिल रहा है। देखो कितने शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। तो आप वीडियो को लाइक करना आपका काम है। पूरा आपको नव वर्ष पर आपको जो है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है। तो पीएम मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये डोनी पोलो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर किया है? ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस INS ने सी स्वाड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लेगा? तो INS सी स्वाड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लेगा। कौन सा? त्रिकंद है इसका नाम। कौन सा हो जाएगा? त्रिकंद इसका नाम है, पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना। एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? तो एशिया कप टेबल टेनिस के अंदर मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता है। 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, भारत और ओमान के बीच में। नसीम अल बह 2022 भारत और ओमान के बीच में हुआ था। 13वें इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, चिरंजीवी को। किसको दिया गया है? चिरंजीवी को ये अवार्ड है दिया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया? तो ये दिया है 39। कितने? राजस्थान के, पता है कितने? 2 विद्यालयों को ये पुरस्कार दिया गया राजस्थान में। तो और भारत के अंदर कितने दिया गया है? 39 विद्यालयों को ये पुरस्कार है दिया गया है। भारत ने 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप के अंदर भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते? ये जीते थे, ध्यान रखना, कितने? 25। कितने जीते? 25 जीते थे। अगला देखो, किस व्यक्ति को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार दिया गया रवि कुमार सागर को। किसको दिया गया है? रवि कुमार सागर को दिया गया है। किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ पर्यावरण पुरस्कार
चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? कौन थी वो? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच। फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो फिक्की के द्वारा दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको दिया गया? राजेंद्र पंवार को। किसको दिया गया है? राजेंद्र पंवार को दिया गया है। किस संगठन के द्वारा नवंबर में PSLV C54 या EOS 6 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? अभी सीधा एग्जाम के अंदर आपसे नाम ये पूछ लिया जाएगा कि संगठन ने लॉन्च किया, तो ये किया था, ध्यान रखना, किसने? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखो, 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो वहाँ 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रोनाल्डो थे, उनका संबंध है किस देश से? पुर्तगाल से। कौन सा देश इनका? पुर्तगाल है। किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। कौन सा? भारत और मलेशिया के बीच में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये दिसंबर के महीने में, कल ही मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें आपको मैंने सारी चर्चा ये करवाई थी। कौन है वो? PT Usha। कौन है? PT Usha। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। किस शहर में अग्निकुल कोस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्चपैड स्थापित किया? तो अग्निकुल कोस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्चपैड स्थापित किया श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। अगला देखो, किस शहर की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल COVID-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो बताइए मुझे, कल भी मैंने आपको बताया था कि भारत बायोटेक कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक ने पहली नेजल COVID-19 लॉन्च की है। तो ध्यान रखना, ये किसने लॉन्च किया है? हैदराबाद की है ये। किसकी है? हैदराबाद की कंपनी ने लॉन्च की। किसने विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा क्या है? शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, कितने? 100। कितने? 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया था। अगला, राष्ट्रपति ने किस पूर्व स्वास्थ्य सचिव को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया? तो ये किया है प्रीति सुदन को। किसको कर दिया? प्रीति सुदन को नियुक्त किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है किस टीम ने जीता? तो बताइए मुझे, विजय हजारे ट्रॉफी अब की बार किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। यहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर है संपन्न हुआ है। कौन सा देश विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार भारत समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 48वां स्थान है। कौन सा है? 48वां स्थान। कौन सा राज्य दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो वो होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो यह आपको सभी को पता है, राजस्थान के अंदर ये मनाया गया, राजस्थान के जैसलमेर जिले में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस मनाया गया। अंडानी ग्रीन ने किस राज्य में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर अंडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना देश भारत। कौन सा बना है? अपना देश भारत बना है।
किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? यह होगा लद्दाख के अंदर। कहां पर होगा? लद्दाख शहर में इसका आयोजन होगा। कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? ये करेगी दीपिका पादुकोण। कौन करेगी? दीपिका पादुकोण करेगी। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने अब की बार कौन सा पदक जीता? तो अब की बार इन्होंने रजत पदक से इनको संतोष करना पड़ा, मीराबाई चानू को। किसमें? कोलंबिया में जो आयोजन इसका किया गया था। किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में किया है। अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन चेन्नई में किया है। कहाँ पर किया है? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो देश भर के अंदर 15 अगस्त तक 1000 जो है खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 1000। पीएम मोदी ने किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है नागपुर से बिलासपुर, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच में पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक किस शहर में शुरू हुई? ये हुई है बेंगलुरु शहर में। तो भारत, आपको पता है, 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली और इसकी जो पहली बैठक है वो बेंगलुरु शहर में इसके आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गोवा राज्य में किया है। कहाँ पर है? गोवा में किया गया है। किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? राशिद का, तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट खिताब जीता? तो 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया खिताब जीता, वो है ऑस्ट्रेलिया की एर्सले बार्टी। कौन है? एर्सले बार्टी। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जहाँ पर इन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? मेघालय में। कहां पर शुरू हुआ? ये मेघालय के अंदर इसको शुरू किया गया है। अगला देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया जाएगा? भोपाल है मध्य प्रदेश में। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, 3 मंथ का, किस टीम ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता? ये जीता था हैदराबाद ने। किसने जीता? हैदराबाद ने जीता। बाकी कल मैंने आपको पूरे दिसंबर महीने की जो है निचोड़ का मैंने आपको वीडियो दे दिया है, वो आप ज़रूर देख लें। बाकी मैंने अक्टूबर और नवंबर का मैट्रिक्स भी इनसे 3 मंथ में मैंने डाल दिया है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और कल वाला भी वीडियो देखें। और जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। बहुत से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि सर 3 मंथ का वीडियो आप लेकर आएँ CET के एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने निश्चित तौर से यहाँ पर जो क्वेश्चन है बड़े ही चुन के क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो मान के चलो रामबाण के तौर पर मैंने ये वीडियो आपको दे दिया है बड़े शानदार तरीके से। और सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और एक नए साथ और एक नई उम्मीद के साथ अपने टारगेट को बनाइए और अपने एक लक्ष्य को निश्चित तौर से तैयारी में लगे रहिए। निश्चित तौर से आपको 2023 के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त आपको हो जाएंगे, पर निरंतर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, निरंतर हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि आपको निश्चित तौर से आपको मंजिल 2023 के अंदर मिल जाए। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना कर देना और लगातार आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। मिलते हैं सुबह 2 जनवरी 2022-23 के अंदर और मिलते हैं सुबह 7 बजे हमारी इंडिया करंट के क्लास के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।